हेलो फ्रेंड्स क्या हाल चाल आप देख रहे हो ऑनली क्वेश्चन हब माई सेल्फ अभिनय चौधरी आप सभी का स्वागत करते हैं आपकी ऑन क्वेश्चन हब चैनल में तो सभी भी आपके एम एम एच पी यूनिवर्सिटी मौलाना मजोहर अरविंद पार्स यूनिवर्सिटी से बहुत भी बेटा गया आप सभी के पी जी को लेकर के तो आखिर क्या आप बैठाइए क्या पूरी नामक प्रक्रिया है, है जानेंगे आज की इस वीडियो में तो वीडियो पूरा जरूर देखें दोस्तों सबसे पहले चले आ जाते हैं मौलाना यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट एम एम एच एपी डॉट ए सी डॉट इन आप भी आ जाइए आने के बाद दोस्तों फटाफट एक बार इसको आप चाहो तो एक बार रिफ्रेश कर लो आ, फिर इसके बाद आप न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट सेक्शन पे यहाँ आ जाओ राइट साइड आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों यहाँ पर अभी भी नोटिस आ गई नोटिफिकेशन दिख पा रहे पी जी और एम बी एडमिशन शुरू हो गया आपके बाईस से चौबीस के सेशन में तो ये बताते हैं एडमिशन हो क्या नोटिस आई है क्या है पूरी प्रक्रिया वो जानेंगे आज के इस वीडियो में तो मेरे फ्रेड पढ़ने पर जरा ऑफिस नोटिफिकेशन मौलाना मजोर हक अरबी एन फारसी यूनिवर्सिटी एम एम यूनिवर्सिटी पटना की तरफ से नामांकन रिलेटेड सूचना आ गई है मौलाना एम एम यूनिवर्सिटी पटना के पीजी पाठ्यक्रम एम बी ए व एम इन इंग्लिश उर्दू अरेबिक परसियन इस्लामिक स्टडीज एजुकेशन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के सत्र बाईस से चौबीस में नामांकन हित योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं नामांकन हित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आपको उपलब्ध है आगे बताएंगे हम आवेदन करने की अंतिम तिथि दोस्तों ध्यान दो तीस जुलाई सी सौ सही सौ तीस जुलाई लास्ट डेट है आवेदन करने का पीजी और एमबीए कोर्सेज में अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं छाओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कुछ की सबमिशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए पेमेंट पे क्लिक करना होगा तीन तो सौ रुपये आपको लगेगा ऑनलाइन पेमेंट करनी है देख एट द टाइम ऑफ एडमिशन के टाइम पर जो भी सेक्टर स्टूडेंट्स रहेंगे ठीक उनको सभी ऑलिजिनल सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स के साथ सिर्फ अच्छे से फोटो कॉपीज और दो रिसिन कलर फोटोग्राफ और पेमेंट रिसिट लेकर के जाना होगा देख पा रहे हो वेरीफिकेशन के लिए अब दोस्तों इससे आपको यूनिवर्सिटी के आपको यहाँ पर दिख पा रहे मेल आई भी उपलब्ध करा दी आप उसको मेल भी कर सकते हो आइए दोस्तों पूरी आपको डिटेल में जानकारी दे दे इसके बारे में पढ़ पा रहे हो यहाँ पर, पर जो शुरू हुई है एमए और एमबीए में दिख पा रहे हो बाईस चौबीस सेशन में आप अप्लाई कर सकते हो नामांकन के लिए आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि तीस जुलाई है जैसे कि आपने पढ़ा नामांकन के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य जानकारी के लिए छात्रवृति की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हो जैसे कि मैं आपको बताया वही देख पा रहे हो कि एम बी ए में साठ वो कितने कितनी सीटों पर नामांकन हो दोस्तों वो सब मुझे अब अप्प्लाई करने जा रहे हो तो एम बी ए में साठ वो अन्य विषय में चालीस चालीस सीटें हैं ये दोस्तों एम बी ए के में देख पा रहे हो वी वी के कॉलेज पढ़ पा रहे हो यहाँ पर एम बी ए के विश्वविद्यालय में लगभग साठ सीटें हैं वही उसके लिए इंट्रेंस टेस्ट का आयोजन हर वर्ष किया जाता है इसके अतिरिक्त अन्य विषयों में जो योग्य छात्र हैं उनका सीधा नामांकन होता है उसमें टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होती उन विषय में प्रत्येक में चालीस सीटें मौजूद है तीन सौ रुपये आवेदन फीस के रूप में जमा कर वेबसाइट पर छात्रवुज्ञा आई डी बना सकते हैं उसके बाद पासवर्ड के माध्यम से लॉग कर सकते हैं नामांकन के समय छात्र छात्रों को सभी ऑरिजन डॉक्यूमेंट लाने होंगे अब आगे देखो नए अकेडमिक भवन में शुरू हो चुकी है दोस्तों पढ़ाई मौलाना मौलाना एम एम यूनिवर्सिटी के देख पा रहे हैं यहाँ पर अलग नया कैंपस और भव्य निर्माण भवन बना हुआ देख पा रहे हो जिसमें यहाँ पे पढ़ाई शुरू हो गई पीजी के अलग से यहाँ पर आपको यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों कि वही दो हॉस्टल कैंपस भी बनकर तैयार है वहाँ अल्पसंख्यक बच्चों छात्रों के लिए सौ और छात्राओं के लिए सौ सीटें उपलब्ध है कुछ छात्रों को हॉस्टल अलॉट भी कर दिया गया है नए छात्रों को भी हॉस्टल अलॉट किया जाएगा विश्वविद्यालय में अपनी अलग लाइब्रेरी भी है दोस्तों आप आपको कुछ एजबेटी काइटेरिया बता दें यहाँ पर अगर आप एमबीए करना चाह रहे हो तो ग्रेजुएशन में पैंतालीस परसेंट मार्क्स होना चाहिए दो साल का जो कि कोर्स होगा और पीजी का देख पर रहे हैं ग्रेजु के लिए एजबेटी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और ये दो साल का कोर्स है तो बताते हैं किस प्रकार अपलाई करोगे एडमिशन के लिए उसके लिए आपको आना होगा वेबसाइट एम एम एच पी डॉ एसी डॉट इन यहाँ पर आप राइट साइड देखो कॉर्नर में क्लिक हीयर फॉर का आपको ऑप्शन दोस्तों मिल जाता है देखने को पी जी एम बी ए कोर्स में आपको इस लिंक पर फटाफट क्लिक कर दो मैं क्या करूँगा लिंक अपने टेगाम से पर भी दे दूँगा जिसके लिए चैनल के प्रोसेस में जाओगे वहाँ पर आपको टेगाम से लिंक देगा टेगाम से जुड़ जाना और इस टाइम का भी लिंक है मेरा कोई भी डाउट वहाँ पर पूछ सकते हो बस डाउट पूछने पहले फॉलो जो कर लेना देख बार दोस्तों यहाँ पे खुल गई है पी जी और एम बी ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भर सकते हो अपने मोबाइल फोन से घर बैठे क्या करना दोस्तों देखो सिंपल सा प्रोसेस एकदम स्टेप बाय स्टेप समझ लो अच्छे से कोई भी न्यू कैंडिडेट हमको रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरे भर दो अच्छे से फिर दोस्तों आपको अपलोड करना होगा अपना स्कैन पास फोटोग्राफ और सिग्नेचर फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे कर देना होगा ठीक है तीन सौ जो लग रहा है फिर प्रिंट कर लीजिए ठीक है नीचे में यहाँ पे क्लिक टू अप्लाई का ऑप्शन है दोस्तों इस पर आप क्लिक करेंगे फिर अप्लाई करने के बाद एक बार आपको यहाँ पर और रजिस्ट्रेशन हो जाता है फिर आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा ये में डाल के आप यहाँ पर आगे अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हो एप्लीकेशन का अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करो क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन इस पर दोस्तों आप क्लिक कर दोगे क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन फिर देख पाओ यहा यहाँ पे आगे खुल गई पोर्टल अब दोस्तों यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है कि सब यहाँ पे पढ़ सकते हो अच्छे से ये सब यील्स अच्छे से पढ़ लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो देख लो फोटो चाहिए बीस से पचास के बीस से कम सीने चाहिए दस से बीस के बीच से कम जेपी जी जे पी जे फॉर्मेट में आप पेमेंट कर सकते हो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यू पी आई से भी फोन पे पेटीएम गूगल पे से भी तो देख पाओ यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा इस पर फिर पॉजिटिव अप्लाई ऑनलाइन पर दोस्तों क्लिक कर दीजिए दोस्तों उसके बाद आप किस कोर्स आप के लिए अप्लाई कर रहे हो वो देख लो यहाँ पे आपको चूज़ कर लीजिए आप एम के लिए अप्लाई कर रहे हो पता दे आपको पहले सी बी सी सिस्टम यानी सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम है ठीक है सेमेस्टर वाइज आपका एग्जाम हो जाएगा फिर भी वैसे ही जमा करनी है एम बी ए पी जी पी जी सेमेस्टर से आपको यहाँ पे कोर्स चूज़ कर लोगे ठीक है मान मुझे करना है ये पी डिपार्टमेंट कौन सा देखो इस सभी में एडमिसन स्टार्ट है अगर आप एम चूज़ करते हो देख पा रहे हो एम बी ए करोगे या लास्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हो पी सेमेस्टर तो ये एम एजुकेशन है दोस्तों बेसिकली इसमें भी नामक का प्रक्रिया शुरू है ठीक है तो आप कुछ जिस भी प्रोसेस में एम बी सल अप्लाई करनी है अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो अपना नाम लिख दीजिए डेट ऑफ बर्थ चूज कर लीजिए आपका जेंडर क्या है दोस्तों मेल फीमेल ट्रांसजेंडर वो चूज़ करो मोबाइल नंबर डाल दो ई डाल दो सिक्योरिटी पर नीचे दिख रहा है वो ऊपर डाल दो कंटिन्यू पर क्लिक करो फिर दोस्तों तो उसके बाद आपने जो डिटेल भरा था वो देखने को मिल रहा है आपका नाम हिंदी में लिख लेना होगा जेंडर चूज कर लो कैटेगरी चूज़ करो लो रिलीज नेम फादर नेम फादर नेम हिंदी में फिर मदर नेम डालो दोस्तों बात करें ऊपर आपको पर्सनल डिटेल्स अपने डाल देनी है फिर उसके बाद नीचे आपको आइएगा तो नीचे आपको आपके कॉन्टेक्ट का डिटेल्स डालना पड़ेगा जिसमें दोस्तों यहाँ बात करेंगे आपको कोई एड्रेस डाल दीजिए सिटी टाउन विलेज किस स्टेट में रहने वाले हो मालूम है पहले से ले लेगा लोकेलिटी कोड डिस्ट्रिक्ट ईमेल और नीचे भी आपको एड्रेस पूछ रहा है आप ये एड्रेस भर दीजिए फिर उसका दोस्तों देख पो आपका एग्जामिनेशन रिलेटेड डिटेल्स मांगा जाएगा कि किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो देखो दोस्तों जो होगा क्योंकि आपने पहले चूज़ कर लिया था बदलने का ऑप्शन नहीं है फिर दोस्तों नीचे आप आओ नीचे आपको एजुकेशन जो क्या जो क्वालिफिकेशन के डिटेल्स मांगे जा रहे हैं आप किसके लिए अपलाई करो पी जी के लिए तो यानी आपने ग्रेजुएशन कर रखा होगा आपने इंटरमीडिएट कर रखा होगा मेट्रिक कर रखा रखा होगा तो फिर मेट्रिक का किस बोर्ड किस यूनिवर्सिटी से क्या है रियल स्टेटस क्या है पास्ट है वो लिख दो किस ईयर पास किए सब्जेक्ट क्या था मार्क्स कितना आया है और इंटरमीडिएट टेन प्लस टू या क्यू वैलेंट उसके किस बोर्ड से किया था कि किस बोर्ड से रिजल्ट क्या था किसी ईयर पास किया हो सब्जेक्ट क्या क्या था मैक्सिमम मार्क्स अगर का कभी डिटेल्स डाल दो तो मार्क्स का और पी के लिए तो भी अपली ले रहे हो अप्लाई कर रहे हो ये अगर आपने पी कर रखा है डबल पी कर रहे हो तो उसका भी डिटेल्स यहाँ पर डाल सकते हो उसका दिख पर दोस्तों यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन देखने को है ये डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों देख पा रहे हो आपको अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया उसके बाद आपको सब कर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन करने वागुल बोलेगा स्कैन कर लो फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को पे पेमेंट कर देनी है फी तीन सौ रुपये आपको ऑनलाइन करना है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यू पे वॉलेट किसी से कर सकते हो फिर प्रिंट करके एप्लीकेशन को अच्छे से रखिए और जो पेमेंट के उसका रिसिप्ट को अच्छे से रखना है तो मेरे फ्रेंड ये थी पूरी प्रक्रिया प्रोसेस आपसे भी किए इस एम एम एच यूनिवर्सिटी पटना पी जी एम बी एडमिशन को लेकर के इसके अलावा यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करना भूलना वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए चाहे अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए तो आज के समय इतना ही मिलते अपने अगली वीडियो में तब तक हिंद फते मातरम